अच्छा सोते कैसे आप? सोते का हमारा बस यही है, सोने का ही। यहाँ ऐसे सोते हैं, कभी जब ज्यादा जैसे जागे तो जब तक अनाज नहीं होगा तब तक रहेगा, और नहीं तो हर महीने में 9 दिन हम सेवा करते हैं इसकी। इस हालत में हमको हर महीने किसी किसी महीने में ये ऊंचा महीना हो, हमको कोई महीना हो, हमको कोई सपना देखे, देवियों का सपना देखे, अपना इच्छा कर दिए, पूजा पूजा एक ऐसे बाबा को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को कि अपने सर पे गेहूं और जौ उगाए हुए हैं। जौ है, सिर्फ है, चना है, उड़द है। आज हम है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में जो मेला लगा है उसी मेले में हम आए हुए हैं दोस्तों। और एक बाबा जी हमारे साथ मिल गए हैं जो कि अन्य फोटो भी रखे हैं कई, हमेशा ये ऐसे ही करके ये अपने सर पे जौ उगाते हैं। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या गुण है इनके में, क्या है इनके में कि आखिरकार ये अपने सर पे जौ उगा लेते हैं। क्या नाम है आपका? अमरजीत। अमरजीत आपका नाम है, तो ये कैसे आप बाल में अपना जो है कि जौ उगा लिए? उगा दिए भाई, हम सोचे खाद 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 मार पड़ रहा है, हम सोचे थोड़ा माता का सेवा करें। सब कोई मिट्टी पर सेवा करता है, मिट्टी पर सेवा किए बहुत दिन, माँ शीतला का जैया रखे, सेवा किए, कलश भरे, बहुत सब सेवा किए। तो लास्ट में हमारा मूड ये बना, कोई चीज कहानी मिली, संकल्प उठा दिए हम 5 साल अब सर पर ही जौ बोएंगे बिना मिट्टी का। अच्छा अच्छा, तो यानी कि आप समाज को दिखाने के लिए बनाए इस पे उगाए हैं कि बिना कोई भी खाद के डाले हुए भी उग सकता है अनाज, सकता है, पैदा भी हो सकता है। पहले होता था 1965 में, सब कोई मिट्टी का पैदा किया, हम उनको बताया जी आप खाद भी नहीं डालेंगे तो मिट्टी में पैदा होगा अनाज। तो कैसे मतलब कि आपको समझ में आया कि ये बाल में भी उग सकता है जो? देखिए ये लोग पढ़े, पेट में पढ़ के सीख के नहीं आते हैं, माई बाप बहरे पढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ ओबरा कृषि विभाग चलता है जो, तो हम उसमें सुनते थे, सब वैज्ञानिक लोग आते थे, अपना अपना समाचार देते थे, लोग हल्लो टोन पर गाना सुनते थे, ये सुनते थे, वो सुनते थे। तो हम सोचे यार हम भी कोई अपना दिमाग में रखें, जैसे साला खेती पहले 1960 में 65 में खादी नहीं पड़ती थी, इतना बढ़िया अनाज होता था, अब खाली खाद पड़ रही है, तब वो ना जवाब उतना है। तो भाई हम कहीं से सपना सुई देखे, गैया भैंस चराते थे। क्या सपना देखे आप? देवियों का सपना देखे, अपना इच्छा कर दिए, पूजा पाठ करने लगे, अपने मुंड में आया जैया रखने लगे, अपने कपार पर ही उनका सेवा करने लगे। कोई गलत तो नहीं की, अब वो भी मेरा इससे आप संदेश, कोई दिक्कत नहीं, इससे आप संदेश क्या देना? संदेश देना चाहते हैं ये जी, किसान भाई बिना खाद का भी खेती कर सकते हैं, अंग्रेजी खाद ना डालें, गौ गोबर का, पशु का गोबर डालें, खड़ पत्ता जल रहा है उसको सड़ाएं, उसमें उससे खाद उनको बनेगी, दाना अच्छा होगा और उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। यानी कि एक साल में आप कितने बार उगाते हैं? एक साल में महाराज ये तो जब तक अनाज नहीं होगा तब तक रहेगा, और नहीं तो हर महीने में 9 दिन हम सेवा करते हैं इसकी। इस हालत में हमको हर महीने किसी महीने में ये ऊंचा महीना हो, हमको कोई महीना हो, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम सेवा पे हाजिर रहते हैं। अच्छा अच्छा, चाहे ठंडी हो गर्मी, किसी महीने में उग जाता है, कौनो महीना हो हम सेवा पर हट पर बैठते हैं, उगेगा, बैठे रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, उगता रहे, हर महीने में सेवा करते हैं। कहा जाता है कि गेहूं के लिए जो कोहरा होता है बहुत जरूरी होता है। हाँ, तो इसीलिए हम बाहर बैठे रहते हैं ना, इसी अपने पेड़ के पौधे के लिए ही बाहर रहते हैं। अच्छा, वो पेड़ तर भी नहीं रहते हैं, न पन्नी लगाते, हम तो ऐसे रहते हैं, ठंड नहीं लगती है भाई। लगेगी तो किसको कहेंगे, कौन है हमारा यहाँ। अच्छा सोते कैसे आप? सोते का हमारा बस यही है, सोने का ही। यहाँ ऐसे सोते हैं, कभी जब ज़्यादा जैसे जागे हैं तो यहाँ सो गए, ज़्यादा नींद का अंश है, जब ये बच्चा हमारा बड़ा हो जाएगा तो इनका सहारा लेंगे, इसे सो जाते हैं। और जबरदस्त वाला नींद लग जाए तो वो नहीं आएगी ना महाराज, पानी डाल देते हैं ना अपने शरीर में। अच्छा, इसमें पानी भी आप डालते रहते हैं? देख लीजिए सब भीज रहा है, इसमें चोरी तो है नहीं, आपके सामने है सब। अब इतना गला में कहाँ सो पाएंगे, अब गलत आपको बता दिए, जब तक ये तैयार नहीं होगा तब तक नहीं निकलेगा। यानी कि पूरा इसी पे फरेगा, सब कुछ इस पर फरे या ना फरे, हमारा पौधा तैयार हो जाएगा, हम उससे प्रसाद बांट के चल देंगे। अच्छा। हमारा पूरा पौधा तैयार हो जाएगा, उसके सर पे ही आप जौ उगा लेंगे, सब कुछ इसी पर रहेगा, फल भी उग जाएगा इसी पे। जी फल है ना, है ये का उगा है आपके सामने तो है, देखिए दोस्तों ये आप दिखा सामने है, देख सकते हैं, अनोखे और अचूक बाबा जी मिले तो हमको लगा कि आपको दिखाना चाहिए। और इधर अपना ये मेले में आए हुए हैं प्रयागराज में,
तो ये आप देख सकते हैं इधर खम्भे में अपना एक फूल लगाए हुए हैं, डाले हुए हैं, और इसमें भी आप जो कुछ डाले हैं अंश जौ का, जौ डाला है, चना डाले हैं, उड़दी डाले हैं, मेथी डाले हैं, ये सारे फसलें इसके अंदर है। अच्छा अच्छा, ये देखिए लखाई दे रहे, दाना चल रहा है, ये देखिए एक बार दिखाइए आप, ये देखिए दाना चल रहा है, अभी देखिए दाना चल रहा है, अब इसके नीचे भी देख लीजिए छुपा ना रहे, ये देखो, ये देखो। अच्छा, कहाँ से आप आते हैं? गुप्त काशी सोनभद्र से। अच्छा, कितने तक पढ़े लिखे हैं? कोई पढ़े लिखे नहीं। क्या करते थे? हम गैया बकरी भैंस चराते थे, और क्या करेंगे, उससे बड़ा गुण कौन है। तो चलिए दोस्तों, आज हम थे प्रयागराज में और मेले में दिखा रहे थे, जितने भी बाबा लोग आ रहे हैं, जो अचूक बाबा हैं उनको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसी में ये बाबा हमारे साथ मिल गए, इनको हम दिखाने का प्रयास किए। कैसा लगा आपको, ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।